हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वाले को देखने से पहले पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट पहले पार्ट पे बेस्ड है। थोड़ी सी वीडियो में आपको बहुत बेसिक बेसिक बातें बताई हूँ, बिल्कुल जीरो से। वो 20-22 मिनट ना आपके इतने काम के हैं, ये मान लीजिए इंटीग्रेशन अगर आप ईजी करना चाहते हैं, वरना औरों की तरह फिर से हार्ड हो जाएगी। प्लीज़ तो पहले आप एक बार पार्ट वन देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट के पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो मैंने सिर्फ फॉर्मुलों की एक पहचान बताई कि डिफरेंशिएशन में पावर को कैसे करते थे, नीचे लाके एक कम। इसी तरीके से x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। क्या x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता x की पावर 7 का, x की पावर 8 अपॉन 8, x की पावर 9 का, x की पावर 9 अपॉन 9। सारे क्वेश्चंस कर लिए थे जो मैंने एक्स्ट्रा में दिए थे आपको पहले पार्ट के अंदर, उन्हें भी कर लेना, उनके आंसर्स मैच कर लेना। अगर कोई डाउट आए तो बता के चलना, ठीक है। चलिए सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने ना, अब मैं क्या दिखाने वाला हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स से वापस जाएंगे तो इंटीग्रेशन आया, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब बात आती है इसे कैसे करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन करा तो लाइक क्या, एफ डैश एक्स आया, दिख रहा है एफ डैश एक्स, पर मुझे एफ एक्स पे जाना है तो मैंने आपको बताया था एक दायरा देगा कभी कभी, तो उसने ये क्यों दिया एफ वन इजिकल टू जीरो, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएगा जिसके लिए वो कंप्लीट दे रहा है। मुझे एफ डैश एक्स से एफ एक्स पे जाना है, क्या करूँगा इंटीग्रेशन। क्लियर, हमेशा एफ एक्स से एफ डैश एक्स करता है थे, अब मैं ये कह रहा हूँ एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन ही करेंगे, ये बात क्लियर रखना। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड एफ डैश एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 3x² - 2x³ का भी इंटीग्रेशन होगा। क्लियर, फिर बात आती है एफ डैश एक्स को नहीं करा भी मैंने, एक साथ करूंगा। बेटा जी ध्यान दीजिएगा, 3x² पहले पावर को नेगेटिव में ले जाओ, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स पर एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कहता है कि आप चार जगह मत बिखेरो, आप एक ही जगह लगा लो। एक ही जगह कैसे, यहां पे लिख लो या वहां पे लिख लो, एक ही जगह लिख लो बहुत है, उसका रोल उतना ही रहेगा जितना उसका आना था आंसर। 3x² का इंटीग्रेशन x³/3 - 2x³ का, सोच के बोलो डायरेक्ट बोलो, -3 है ऊपर तो प्लस वन होगा, -2 - 2 प्लस सी, वेरी गुड प्लस सी, पर एफ एक्स तो आ गया, पर अभी एफ एक्स पूरा नहीं कहलाएगा, सिंप्लीफाई करा 3 से 3 कटा, x³ आया प्लस के 2 से 2 कटा, तो x³ - 2 आया प्लस सी, एफ एक्स हो गया हमारा x³ + 1/x² + c। अब बेटा जी छोटी सी बात देखिएगा, आपको एक चीज गिवन दे रखी है कि f1 = 0 है, क्यों दे रखा है, जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना उसे सॉल्व कर सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। चलिए अगर मैं आपसे ये कहूँ f1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ क्या रखोगे, 1 1 + 1/1 + c, तो f1 की पूरी वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या आया 2 + c, और c की वैल्यू क्या आ गई -2, और c की वैल्यू को जो ये एफ एक्स फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे रिटर्न करेंगे, तो रिक्वायर्ड एफ एक्स जो है वो क्या आएगा x² + 1/x² - 2। अब बेटा जी ध्यान से समझना जरा बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंगल डेरिवेटिव इसका करके देखो, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा ना गारंटीड यही आएगा, क्यों यहाँ पे सॉरी x³ था, ठीक है x³, क्लियर, छोटा मोटा चलता है, क्या दिख रहा है x³, तो x³ आया डेरिवेटिव 3x² - 1/x² का -2/x² - 2 + c, सी का रीजन पता चल जाएगा। चलिए अब आते हैं बेसिक फॉर्मूले। आज अब तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, जब ध्यान समझना, एक ही फॉर्मूले पे हमने पूरी एक क्लास कंप्लीट कर ली, x की पावर n,
एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी ई की पावर एक्स, ई की अपनी एक वैल्यू होती है 2.7183। क्लियर, ये एक कॉन्स्टेंट ही होता है, पर हम ना फॉर्मूला भी याद करेंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। बस बहुत छोटी छोटी बातें आएंगी बेटा जी, यहाँ ना हम चेन रूल जैसा करेंगे कुछ कि अगर एक्स की हाईएस्ट पावर वन है पावर में, तो जो भी उसके एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसका डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा। पहले एक बार थोड़ा सा रटते हैं दो मिनट के लिए, फिर ये क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न अभी आपको आगे की नेक्स्ट पार्ट में समझ आएगा, मैं अभी नहीं बता सकता जिसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पहले कुछ चीज़ें और देखते हुए चलेंगे। e की पावर, अगर मैं बात करी e की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर 5x का क्या आएगा, e की पावर 5x अपॉन 5। ये अपॉन क्यों है बस इसका रीजन समझना है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दोबारा से बताओ, पहले e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव के टाइम पे क्या आता था e की पावर 3x इंटू 3, और यहाँ पे क्या आएगा e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 अपॉन में आएगा, वो भी डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन ही नीचे आएगा। बस शर्त इतनी सी है, जो ये है ना ये इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। तो फिर दोबारा से बताओ e की पावर 11x का क्या आएगा, e की पावर 11x अपॉन 11 प्लस सी। वेट, धीरे धीरे समझाता हूँ फॉर्मूला। a की पावर x का डेरिवेटिव होता था a की पावर x log a, और यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड में जाएगा a की पावर x अपॉन में log a। अभी बताया log x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, x का डेरिवेटिव होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। जो छोटी सी बात अभी मैंने बताई e की पावर mx है, तो e की पावर mx का क्या करोगे e की पावर mx अपॉन m। फॉर्मूले की तरह काम कर लिया, a की पावर mx है मतलब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो कांस्टेंट की पावर तो सेम करा अपॉन में log a, पर एक्स्ट्रा पार्ट का डेरिवेटिव डिवाइड में करा, कोई दिक्कत। फिर इसी तरीके से इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस करके बताऊंगा। चलिए अभी मैंने, चलो एक पहला क्वेश्चन ऐसे देखते हैं दो मिनट के लिए। बेटा जी अगर मैं आपसे ये कहूँ 7x माइनस 9 के होल की पावर 11 है, क्या आप इसका आराम से डेरिवेटिव कर लोगे? तो डेरिवेटिव क्या होता था, पावर नीचे लाके y डैश 10 इंटू 7 करते थे, जो कि क्या गया 77, 7x माइनस 9 के होल की पावर 10। सेम उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 7x माइनस 9 के होल की पावर 11 का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन बेटा जी पता कैसे, मैं x की 7x माइनस 9 को x की तरह ट्रीट करूंगा, जिसे भी आप x की तरह ट्रीट करेंगे उसका डेरिवेटिव डिवाइड में जाएगा, जिसे भी आप x की तरह ट्रीट करेंगे उसका डेरिवेटिव डिवाइड में जाएगा, पर शर्त इतनी है कि इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो बस x की। क्यों जा रहा है ये आपको तीन चार एग्जांपल्स के बाद थर्ड पार्ट में बहुत प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, प्लीज ध्यान से समझते चलना मेरे लिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ x की पावर 11 का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर 11 का x की पावर 12 अपॉन 12, तो मेरे लिए इस वक्त x क्या है 7x माइनस 9, तो 7x माइनस 9 के होल की पावर 12 अपॉन 12 तो आया, पर डिवाइड में 1 अपॉन 7 अलग से आएगा। ठीक, कितना आया कैलकुलेशन कर ही लेंगे, क्लियर यहाँ तक। अब बात आती है नेक्स्ट बेटा जी, दूसरी चीज यार इसका कैसे करें, अब डायरेक्ट मत करना कि वन का एक्स एक्स का स्क्वायर बाई टू टू का टू एक्स और थ्री एक्स, नहीं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। अगर कोई प्रोडक्ट रूल होगा तो प्रोडक्ट रूल नहीं होने की वजह से सिचुएशन क्या होती है कि आपको किसी ना किसी का डेरिवेटिव दे रखा होता है या कुछ ना कुछ लिंक होगा। पर अभी अगर प्रोडक्ट रूल नहीं होता तो करेंगे क्या, प्रोडक्ट करके करेंगे। अगर मैं प्रोडक्ट इजिली कर पा रहा हूँ तो वो ध्यान समझना। पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसमें इंटीग्रेशन में ना प्रोडक्ट रूल नहीं होता। प्रोडक्ट रूल करने से पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे वन का एक्स और ये सब, इसको क्या करेंगे हम वन का इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें हम पहले प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। लाइक कैसे, देखो पहले शुरू के दो का इंटू करी, पहले मल्टीप्लिकेशन, पूरा क्वेश्चन बिखेर लूंगा, वन टू जट टू प्लस के थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर फाइव माइनस फोर एक्स डी एक्स। ओके, फिर दोबारा से मैंने ने पहले जोड़ लिया 2 प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर फाइव माइनस फोर एक्स डी एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर बेसिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 फाइव जा 10 2 फोर जा 8 एक्स की इंटू 5 से एक्स की इंटू 4 एक्स से माइनस के 5 थी जा 15 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 थी जा 12 एक्स क्यूब डी एक्स,
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे 12x³ तो एक जगह करा, माइनस के 8x + 5x - 3x, -4x² -15x² -19x² +10। अब ये एक बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, इसको कैसे करूँगा? 12x³ क्या हो जाएगा, x^4/4, x²/2 -19 x³/3 +10x +c, 4 × 12 तो 3x⁴, 3/2 x², 19y³ x³ +10x +c। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बेटा जी आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मैंने भी आपको बताया था कि क्वेश्चन दिक्कत देते हैं यार, एक चीज बताओ, बहुत बच्चों वाली बातें हैं, इन्हीं बच्चों वाली बातों के लिए करते हैं जब बेस सेम होता है ना। यहाँ कोई क्वेश्चन टूल भी नहीं होता फिर इसका मतलब, जैसे प्रोडक्ट नहीं है तो क्वेश्चन टूल भी नहीं होगा, तो ऐसे में क्या करेंगे? या तो डिवाइड करना आना चाहिए या सेपरेट करना आना चाहिए। तो पहले वही चीज़ समझ रहे हैं कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाएगी, क्या कहेंगे उसे? एक अगर बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल दिख रहा होगा सत्ता आपको, मन कर रहा होगा करने का पर अभी नहीं करना, पहले मैं समझा दूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वही करना, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना। अभी x^5 x³ x²-2/3 और ये dx क्या दिख रहा है? इंटीग्रेशन नहीं करा मैंने, मैंने पावर को सही करा है। अभी x^5 -3 -2 - 3 dx, x² +x^-5 dx, x² का इंटीग्रेशन x³/3 +x^-6 /6 +c, जो -6 हुआ वो सॉरी -4 +1 होगा ना, -4 + 4, ये क्लियर है? क्या आएगा? -5 + 1 -4 / -4, तो जिसको क्या लिख सकता हूँ, x³/3 -1/4 x^4 + c, ये क्लियर है? वेट, अब मैं पिछला जो भी मैंने इक्की पावर वाले बताए थे ना, इसके अंदर हम नई बात सीखने वाले हैं, जो ध्यान से समझना ये वाली चीज़ों को। मैंने इस वाले क्वेश्चन के जरिए सिर्फ आपको ये बताया, अगर बेस सेम होगा ना तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाएगी, रूट होगी, अजीबोगरीब क्वेश्चन होंगे, कर लेना आ जाएंगे समझ। जैसे कि अब बेटा जी एक चीज़ नोटिस करो, क्या दिख रहा है आपको? e^2x, e^-2x, e^x, कुछ जब कभी कभी जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो घबरा जाते हैं, अबे यार रुको, इसको क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता e^2x / e^x और e^2x / e^x, बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बोलो हाँ हाँ। अब वेट, ऐसे में e^2x / e^x क्या करूँगा? ये भी तो बेस है, हर बार जरूरी थोड़ी है कि वो 5x^7 x^9 होगा। तो वेट, e^2x - x, e^-2x -x dx, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे e^x हो गया -e + e^-3x हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा बताया e^x का डेरिवेटिव भी e^x है, तो इंटीग्रेशन भी e^x है, पर चेन रूल डेरिवेटिव में कहता था जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसका डेरिवेटिव इनटू में जाएगा, इंटीग्रेशन कहेगा मेरा डेरिवेटिव एक्स्ट्रा पार्ट का डेरिवेटिव डिवाइड में जाएगा। कैसे? e^x को तो e^x होगा, पर e^-3x का e^-3x हुआ पर अपॉन में -3 होगा, ये वाली बात ध्यान रखना जिसको मैंने अभी इस वाले शुरुआत में ही अभी बताया था, -e^-3x / -3 + c, ये माइनस इधर चला गया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ तक क्लियर हैं, फिर मैं इसी में थोड़ा सा लेवल हाई कर देता हूँ और उसके क्वेश्चंस को समझना, लाइक कैसे? अब एक क्वेश्चन समझना, a^x + b^x / a^x / b^x, देखने में अजीब सा लग रहा होगा पर अजीब सा है नहीं। देखो a^x / a^x / b^x, b^x / a^x / b^x, क्लियर? ये कटा, अगर आप नोटिस करो b^-माइनस ऊपर चला गया, a^-x ऊपर चला गया। अब वेट, फॉर्मूला नहीं याद है मैं बता रहा हूँ आपको,
ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, क्या अपॉन लॉग ए, क्लियर। अब वेट, तो बी की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, बी की पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग बी, ए की पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ए, पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव डिवाइड में जाएगा, क्लियर। जिसकी वजह से इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन माइनस के बी की पावर एक्स लॉग बी माइनस के ए की पावर एक्स लॉग ए, क्लियर बेटा जी। उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ आया होगा। पहले सिमिलर क्वेश्चंस पहले आप कर लो, 15-20 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप करो, कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चंस आप करो, कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा समझते जाएंगे तो उनके अंदर टाइप्स छिपे हुए हैं, वो टाइप्स और ज़्यादा क्लियर होंगे, तब जा करके जो आपके सबसे ज़्यादा डाउट्स बनने वाले हैं ना वो डाउट्स उतने ही कम होंगे। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि दो एग्जाम्पल या दो क्वेश्चन को देख के ही आपको सारा समझ आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, या सिर्फ मेरे कराने से ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा, वो भी जरूरी नहीं है, आपका करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जो क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज पहले आप कंप्लीट करेंगे, देन थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ना, वरना बेकार है सारी चीज़ें। आया समझ, उम्मीद करता हूँ सारा आपको समझ आ गया होगा। जो भी दिक्कतें आएँ तो आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।